तो दोस्तों आज के इस वीडियो में शॉर्ट रोस्ट वीडियो कैसे बनाएं वो बताने वाला हूं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो शॉर्ट में रोस्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, वो भी बिना चेहरा दिखाए। जी हाँ दोस्तों, बिना फेस दिखाए रोस्ट शॉर्ट वीडियो आप कैसे बनाओगे वो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इस वजह से इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर से देखिएगा, तभी आप शॉर्ट रोस्ट वीडियो बनाना सीख पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शॉर्ट रोस्ट वीडियो कैसे बनाएं वो जानते हैं बिना किसी इंट्रो के। बाय द वे, वीडियो को लाइक नहीं की हो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो उसके लिए आपको सबसे पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके 9:16 रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो क्रिएट पर क्लिक कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर वो वीडियो सिलेक्ट करना है जो वीडियो आपने कहीं से भी डाउनलोड किया होगा कि मुझे इस वीडियो को रोस्ट करना है। तो बस आपको उस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, तो मैंने भी सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक गेम प्ले की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको सर्च बॉक्स पर क्लिक करके सर्च करना है गेमिंग गेम प्ले नो कॉपीराइट या फिर नो कॉपीराइट गेमिंग गेम प्ले, आपको ये सर्च कर देना है। उसके बाद एक चैनल आएंगे, इस चैनल के आप सभी वीडियो यूज कर सकते हो, आपको स्ट्राइक या फिर क्लेम की कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो बस आपको एक वीडियो डाउनलोड कर लेना है। तो गेम प्ले को डाउनलोड कर लेने के बाद अब आपको ये जो वीडियो सिलेक्ट हुआ है इस वीडियो को एक बार प्ले करके फुल वॉच कर लेना है और इसमें जो गलती है वो आपको यहाँ पर जो है नोट करके रख लेना है अपने नोटबुक में। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को सबसे पहले पूरा देखता हूँ और जो गलती है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो मैंने इस वीडियो को पूरा देख लिया है और इस वीडियो में जो गलती है उसको मैंने नोट कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले जो भी वीडियो सिलेक्ट रहेगा बस आपको यहाँ पर एक बार प्ले पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको करना क्या होगा देखते रहिए, आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं एक पंच लाइन बोलना चाहूँगा, उसके लिए आपको करना क्या है, जहाँ पर भी आपको पंच लाइन बोलना होगा बस उस पर कर्सर ले जाना है। उसके बाद आपको ट्रिम पर क्लिक करना है और स्पीड को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको मीडिया पर क्लिक करना है और जो आपने गेम प्ले डाउनलोड किया होगा उस गेम प्ले को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है मैं सबसे पहले बता देता हूँ। तो ये जो गेम प्ले का है लेयर, बस उस पर आपको क्लिक कर देना है और पेन एंड जूम पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन आपको यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद अब आपको इसको शुरुआत में ले आना है। तो इस गेम प्ले को मैंने शुरुआत तक ले आया है और आपको यहाँ पर अब करना क्या है, ये जो गेम प्ले है इस पर क्लिक कर देना है और मिक्सर पर क्लिक करके इसका साउंड पूरा कम कर देना है और उसके बाद आपको रिकॉर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपको पंच लाइन बोलना होगा, बोले तो जो भी आपको रोस्ट करना होगा वो यहाँ पर जरा बोलना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो पंच लाइन बोलना था वो मैंने बोल दिया है और मैं आपको प्ले करके अब दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका पंचलाइन खत्म होता है तो वहाँ पर कर्सर ले जाना है और ये गेम प्ले पर आपको क्लिक करना है और ट्रिम पर क्लिक करके इसको स्पिल्ट कर देना है। स्पिल्ट करने के बाद इस पर आपको करना क्या है, क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका साइज थोड़ा कम कर लेता ताकि एडिट करने में ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। यहाँ पर इतना करने के बाद अब आपको इस पर क्लिक करके पूरा इधर खिसका के रखना है और इस साइड पूरा लेके चले आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको रख देना है, उसके बाद यहाँ पर जो उसका क्रिंजी वीडियो था अब यहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद फिर से इस वीडियो को प्ले करना है। तो यहाँ पर मैं एक पंच लाइन बोलना चाहूँगा, उसके लिए यहाँ पर मैंने कर्सर ले आया है और उसके बाद मैं ट्रिम पर क्लिक करूँगा और इसको स्पीड कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर गलती ये है कि इन्होंने यहाँ पर रिजल्ट भी देखा है, ठीक है, रिजल्ट भी देखा है लेकिन ये जो हाथ में पकड़ा है पन्ना वो पूरा का पूरा खाली है, फिर ये रिजल्ट कैसे देख लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पन्ने को यहाँ पर जो है स्क्रीन शॉट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पकड़े हैं, चलो यहाँ से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और कैप्चर एंड सेव पर क्लिक करके हम एक स्क्रीन शॉट ले लेंगे इसका, इस फोटो का, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे क्या, ये जो वीडियो का लेयर है इस पर क्लिक करेंगे और इसको पूरा घिसकाकर इस साइड ले आएंगे और यहाँ पर पटक देंगे ताकि ये जो हमारा गेम प्ले है वो यहाँ पर आ सके और अब हम यहाँ वॉइस ऐड कर सके। और उसके लिए हम यहाँ पर रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और मैं वॉइस डालता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वॉइस भी डाल दिया, मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो लोग मेरा भी रिजल्ट देख के आना।
तो यहाँ तक हमारा वॉइस है, हमने वॉइस डाल दिया है। अब हम यहाँ पर फिर से करेंगे क्या, अब ये लेयर पर क्लिक करेंगे गेम प्ले के, और उसके बाद ट्रिम पर क्लिक करेंगे और स्पीड कर देंगे। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो गेम प्ले का लेयर है इसको पूरा घिसकाकर इस साइड लास्ट में ले आएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से आपको बताता हूँ कि अब आपको यहाँ पर करना क्या है। तो यहाँ पर मैं चलाता हूँ और फिर से मैं प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे एक पंच लाइन बोलना है, तो मैं फिर से क्या करूँगा, ट्रिम पर क्लिक करूँगा, स्पिल्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस गेम प्ले को वहाँ पर मैं लेके जाऊँगा। चलो यहाँ पर मैं घिसकाता हूँ, चलो भाई। यहाँ पर रखना है, तो चलो गेम प्ले को भी यहाँ पर हमने रख लिया। फिर से मैं यहाँ पर रिकॉर्ड पर क्लिक करूँगा और वॉइस डालूंगा। तो मैंने यहाँ पर वॉइस भी डाल दिया, मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन तू फेल हो गया। अरे मन बुद्धि, अपना रिजल्ट खुद देखना, पास हुआ या फिर फेल हुआ है खुद पता चल जाएगा, क्या इनके बातों में आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा वॉइस खत्म हो गया। फिर से मैं गेम प्ले के लेयर पर क्लिक करूंगा और ट्रिम पर क्लिक करके स्पीड कर दूंगा, ठीक है। तो बस आपको जहाँ जहाँ पर पंच लाइन बोलना होगा वहाँ वहाँ पर बस आपको इसी तरीके से एडिट करना है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही आपको सब कुछ करके दिखा दिया है। यहाँ पर शॉर्ट रोस्ट वीडियो बन के तैयार हो चुका है, और यहाँ पर अभी जो काम करना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में आपको चले आना है और आपको लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है क्रिंज। आपको यहाँ पर लिखना है क्रिंज शॉर्ट्स, आपको यहाँ पर लिखना है क्रिंज शॉर्ट्स, आपको यहाँ पर लिखना है क्रिंज शॉर्ट, और इसको ओके कर देना है। और इसका साइज थोड़ा आपको यहाँ पर जो है बड़ा करना है, ठीक है। बड़ा करने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है, फॉन्ट आपको बदल लेना है। कोई भी एक फॉन्ट आपको ले लेना है, इनमें से कोई भी एक फॉन्ट आप ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, आप वो ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा और यहाँ पर आउटलाइन का ऑप्शन मिलेंगे, तो इसको इनेबल आप कर दीजिएगा, और इसको साइज थोड़ा यहाँ पर कर दीजिएगा, और इसको फुल कर दीजिएगा अपने वीडियो के पूरा ड्यूरेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, पूरा ड्यूरेशन भर देता हूँ जितने देर का वीडियो है। अब एक कहाँ भाग रही है, चलो हो गया, चलो हो गया है। अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, देखिए ज़रा। रिजल्ट आया तो देखना ही पड़ेगा ना, और अगर पेपर में जो लिखा होगा वही तो रिजल्ट आएंगे ना। तुम लोग मेरा भी रिजल्ट देख के आना। यार हम तो अच्छे मार्क्स से पास हो गए। भाई रवि का भी देख यार, उसने बोला था रिजल्ट देखने के लिए। यार रवि ने तो पूरे कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसे ये नहीं बताएंगे कि उसने कॉलेज में टॉप किया है। चल उसकी मजे लेते हैं। अच्छा तो ये पेपर पूरा खाली है, फिर भी इन्होंने पूरे ध्यान लगाकर पेपर को देखा और बोल रहा है कि टॉप किया है। वाह भाई वाह। भाई मेरे रिजल्ट का क्या हुआ? यार हम दोनों तो पास हो गए, लेकिन तू फेल हो गया। अरे मन बुद्धि, अपना रिजल्ट खुद देखना, पास हुआ या फिर फेल हुआ है खुद पता चल जाएगा, क्या इनके बातों में आ रहा है। यार ये मजाक मस्ती बहुत हो गया, चल उसे सच्चाई बता देते हैं। तू यहाँ बैठा है? यार हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, तूने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। भाई ये तो सदमे में मर गया कि ये फेल हो गया था। अरे भाई तू अपना रिजल्ट खुद देख लेता तो आज जिंदा होता। चलो अच्छा हुआ एक क्रिंज शॉट देखना नहीं पड़ेगा आपसे। तो बस यहाँ पर वीडियो बनके तैयार हो जाएगा आपको, तो बस यहाँ पर क्लिक करना है और सेव आज वीडियो पर क्लिक करके आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है। तो इस तरीके से आप रोस्ट शॉर्ट वीडियो बना सकते हो। और चलो मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपको रोस्ट करने के लिए वीडियो कहाँ से लेना है। तो उसके लिए आपको YouTube एप्लीकेशन को ही ओपन करना है, और अगर आप YouTube एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको नीचे साइड में शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप शॉर्ट पर क्लिक करके अगर आप 10 से 15 शॉर्ट देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक से YouTube जो है क्रिंज शॉर्ट आपको सजेस्ट करेगा। तो आप एक दिन में जितना रोस्ट वीडियो बनाना चाहो उसी हिसाब से आप क्रिंज शॉर्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर आप रोस्ट करिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए ध्यान रखिए अपना एंड देखते रहिए RJTech2M।